राजस्थान विद्यार्थी मित्र विद्यालय सहायक संघ ने गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि राजस्थान के 7,694 प्रशिक्षित विद्यालय सहायकों को योग्यता संबंधित शिथिलता देकर ब्रिज कोर्स कराते हुए प्रशिक्षित कर पंचायत शिक्षक के अंतर्गत में शामिल करवाने और पंचायत सहायकों को शिक्षा कर्मियों पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचर्स के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव की स्वीकृति को लेकर संघर्षरत है। राजस्थान विद्यार्थी मित्र विद्यालय सहायक संघ के निरंजन श्रीमाली ने बताया कि राज्य सरकार ने चुनावी वादों में विद्यार्थी मित्र सहायकों को नियमित करने की बात की, लेकिन बजट भाषण में राज्य सरकार ने फिर से संविदा कर्मियों को उसी पोस्ट पर लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संपूर्ण राजस्थान में विद्यार्थी मित्र द्वारा कार्य बहिष्कार किया जाएगा। मैं निरंजन श्रीमाली, पंचायत सहायक विद्यालय सहायक संघ उदयपुर से। आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के मार्फत से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर के ये संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान में विद्यालय सहायक संघ, जो कि अभी सरकार ने चुनाव के घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन समस्त संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, जबकि उनकी सीधी और सीधी घोषणा थी कि हम इनको नियमित करेंगे, जबकि सरकार ने पुनः संविदा पे लगाया है और संविदा पे लगाने के बावजूद भी अभी 5 मार्च के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी जिसमें जो ट्रेंड बंदे हैं एसटीसी बीएड और डीएलएड धारी, उन लोगों को थोड़ी सी राहत प्रदान की है, वो भी मानदेय बढ़ोतरी करके। तो हमारी आज ये मांग है कि हम अनट्रेंड हैं, बीएड एसटीसी नहीं है, तो हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो सरकार अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था कि हम इन्हें नियमित करेंगे, तो हमें हमारा पुराना अनुभव 1/1 फॉर्मूले के साथ जोड़ते हुए, हमारा अनुभव जोड़ते हुए हमें नियमितीकरण करें और हमारा पे ग्रेड लागू करें। दूसरी बात, सरकार ने जो 5 मार्च के दिन घोषणा की है 3600 पे ग्रेड के लिए मानदेय बढ़ोतरी की, तो हम इसके लिए मांग करते हैं कि हमें भी सरकार एसटीसी या डी